आपने दुनिया में तमाम ऐसी चीजों के बारे में सुना होगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भी कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने किस्सों कहानियों में सुना है। आज हम आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोहे को भी सोना बना देता है। इस पत्थर का नाम है पारस पत्थर, जिसके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। हालांकि इस पत्थर को खोजने में अब तक हर कोई नाकाम रहा है। लोगों का दावा है कि ये पत्थर एक किले में आज भी मौजूद है, इसलिए तमाम लोग हर साल इस किले में खुदाई करवाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर लोगों की चीज को छूते ही सोना बना देता है। बताया जाता है कि ये पत्थर भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में आज भी मौजूद है, जो इस किले के राजा के पास था। ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर के कई युद्ध भी हुए हैं। एक बार जब इस किले के राजा से युद्ध हुआ तो उन्हें लगा कि अब वह युद्ध हारने वाले हैं। तब उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब में फेंक दिया। पारस पत्थर को तालाब में फेंकने की बात राजा ने किसी को नहीं बताई। उसी दौरान युद्ध के बाद राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ये किला वीरान हो गया और राजा की मृत्यु के बाद इस किले को कई अन्य राजाओं ने खुदवाया, लेकिन किसी को पारस पत्थर नहीं मिला। आपको बता दें कि आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन किसी को यहाँ कुछ नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि इस किले में पारस पत्थर की खोज करने वाले लोगों का मानसिक संतुलन खो जाता है। कहा जाता है कि इस पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कही सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे यहाँ पारस पत्थर की तलाश में पहुँचते हैं।